हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिया जाता है। सो आखिर ये बैंक अकाउंट फ्रीज का मतलब क्या होता है, क्यों किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिया जाता है, और आखिर किसी का बैंक अकाउंट को फ्रीज करता कौन है, और अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो वो अपने बैंक अकाउंट को किस तरह से अनफ्रीज कर सकता है, और अगर किसी पर्सन का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उन्हें किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो आज का ही काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जब किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिया जाता है तो वो अपने अकाउंट से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, ना ही वो अपने ब्रांच में जाकर के ट्रांजैक्शन कर सकता है, और ना ही उसको जो एटीएम कार्ड दिए जाते हैं ना ही वो अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, ना ही वो अपने चेकबुक वगैरह के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकता है। मतलब कि उसका जो अकाउंट होता है वो पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता है। कई सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है कि जिसका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो वो अपने अकाउंट में पैसा तो जमा कर सकता है, लेकिन वो अपने अकाउंट से पैसा जो है विड्रॉ नहीं कर सकता है। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आता होगा कि जिसका वे अकाउंट है उसका खुद का पैसा है, सब कुछ उसका खुद का है, तो आखिर उसका अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाता है, क्यों वो अपने अकाउंट से पैसा वगैरह विड्रॉ नहीं कर पाता है, आखिर कौन उसके अकाउंट को फ्रीज करता है। अब यहाँ पर दो रीजन हो सकता है। हो सकता है कि उन्होंने जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया होगा तो बैंक वालों ने खुद उसका अकाउंट को फ्रीज कर दिया होगा, या फिर हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट उसके अकाउंट को फ्रीज करवाया होगा, या फिर कोई अदालत कोर्ट वगैरह उसके अकाउंट को फ्रीज करवाया होगा। अब आखिर बैंक वाले या फिर गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी की बैंक अकाउंट को क्यों फ्रीज करवाता है, तो इसका बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बैंक किसी के अकाउंट को क्यों फ्रीज करता है। दोस्तों, बैंक वाले किसी के अकाउंट को तब फ्रीज करता है जब मान लीजिए कि किसी पर्सन के अकाउंट से अचानक से ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगती है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसका बैंक में अकाउंट है और वो अपने अकाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करती है, मान लीजिए महीने दो महीने तीन महीने में एक दो बार ट्रांजैक्शन करती है, अब अचानक से उसके अकाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लगता है, या फिर मान लीजिए उसका जो डेबिट कार्ड होता है उस डेबिट कार्ड से कोई अदर कंट्री में विदेश की एटीएम मशीन से पैसा निकाले जाते हैं, अचानक से ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगती है, अचानक से ऑनलाइन शॉपिंग होने लगता है, या फिर यूपीआई के माध्यम से अचानक से ज्यादा ट्रांजेक्शन होने की वजह से बैंक वाले क्या करते हैं, उस पर्सन के अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब आप सोचेंगे कि भाई उसका अकाउंट है, उसका पैसा है, वो विड्रॉ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो आखिर बैंक वाले उसके अकाउंट को फ्रीज क्यों करता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि बैंक वाले जो होते हैं उसको बहुत तरह के डॉट्स फील होते हैं कि आखिर इस पर्सन का जो अकाउंट है इसके अकाउंट से पहले इतना ट्रांजेक्शन नहीं होता था, क्या बात है कि आखिर इतना जल्दी इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगा है। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कि इसका डेबिट कार्ड कहीं पर खो गया होगा, या फिर इसके अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया होगा, तो इस वजह से बैंक वाले क्या करते हैं कि उस पर्सन के अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब अगर बैंक वाले ने खुद किसी के अकाउंट को फ्रीज करता है तो इसको अनफ्रीज करने का बहुत सिंपल तरीका है जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन कई सिचुएशन में क्या होते हैं कि गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोई कोर्ट अदालत वगैरह किसी के अकाउंट को फ्रीज करवाता है। अब आखिर कोर्ट या फिर गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों करवाता है, तो इसके पीछे जो रीजन है ना, क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका बैंक में अकाउंट है, अब उसके अकाउंट में अचानक से ज्यादा पैसा कहीं से आ जाता है, मान लीजिए कि उसका जो अकाउंट है उस अकाउंट में पहले लाख दो लाख या फिर तीन चार लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन होता था, उससे ज्यादा उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, उससे ज्यादा उसके अकाउंट में पैसा नहीं रहता था, अब मान लीजिए कि उसके अकाउंट में अचानक से 10-20 लाख 50 लाख या फिर करोड़ों में उसके अकाउंट में अगर रुपया आ जाता है, या फिर मान लीजिए कि किसी दूसरे के अकाउंट का पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट जो अदालत होते हैं या फिर गवर्नमेंट उसके अकाउंट को फ्रीज करवाता है, जिस बैंक में उसका अकाउंट होते हैं उस बैंक के कर्मचारियों को बोलकर उसके मैनेजर को बोल करके उसका जो अकाउंट होता है उसको फ्रीज करवा देता है। इसके अलावा एक और जो कि बहुत बड़ा रीजन है, कई सारे लोगों का जो अकाउंट फ्रीज हुआ था उसमें एक रीजन ये भी सामने आया था
कि उन्होंने बहुत सारे बैंक से या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह से उन्होंने लोन वगैरह लेकर के रखे हुए थे, तो अगर वे लोन नहीं चुका रहे थे इस वजह से भी उसका अकाउंट जो है फ्रीज कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी का बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है तो वो अपने अकाउंट को किस तरह से अनफ्रीज कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दो रीजन बताए, सबसे पहला कि बैंक वाले ने खुद उसके अकाउंट को फ्रीज किया होगा, या फिर गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट अदालत वगैरह उसके अकाउंट को फ्रीज करवाया होगा। तो यहाँ पर दो रीजन होती है। तो जिसका भी अकाउंट फ्रीज होता है उन्हें सबसे पहले अपने ब्रांच जानी होगी, जो भी ब्रांच में उनका अकाउंट होगा। ब्रांच जाने के बाद उन्हें यह पता लगानी होगी कि आखिर उसका जो अकाउंट फ्रीज किया गया है, आखिर उसका अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है। अगर बैंक वाले ने खुद उसके अकाउंट को फ्रीज किया होगा तो उन्हें वहां पर तुरंत बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट इस रीजन से फ्रीज किया गया था। तो अगर बैंक वाले ने खुद उसके अकाउंट को फ्रीज किया होगा तो वहां पर उन्हें एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, जो एप्लीकेशन उन्हें सबमिट करना होगा अपने ब्रांच में। और कई सिचुएशन में क्या होते हैं कि उसका अकाउंट जो है 2 से 3 घंटे के अंदर में अनफ्रीज कर दिया जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उसमें 2 से 3 दिन या फिर 4-5 दिन का भी टाइम लग जाता है, और भी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका अकाउंट जो है वे अनफ्रीज कर दिया जाता है, और फिर पहले के जैसा वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाता है, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं और पैसा निकाल भी सकता है। इसके अलावा अगर बैंक में जाने के बाद उन्हें यहां पर यह पता लगता है कि आपका अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट को फ्रीज करवाया है, किसी कोर्ट या फिर अदालत ने आपके अकाउंट को फ्रीज करवाया है, तो वहां पर बैंक उसका कुछ नहीं कर सकता है जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक उस कोर्ट अदालत का ऑर्डर नहीं आएगा कि इसके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए, तब तक उनके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाता है। जब गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है, आदेश आता है बैंक वालों के पास कि इसके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए, तो इसके बाद जाकर के उसके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है, उसके बाद वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ना ही पैसा निकाल सकता है, ना ही पैसा जमा कर सकता है, वो कोई भी काम अपने अकाउंट के माध्यम से नहीं कर सकता है, अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाता है। कई बार उन्हें बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट या फिर IT डिपार्टमेंट के चक्कर उन्हें लगाना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से आपके सवाल के जवाब हम कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।